देखिए यहाँ पर भिन्न है 1/2 - 1/2 इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस का है, 1/2 प्लस का है, कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, आंसर 1। इसी तरीके से अगर हम किसी भिन्न को लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगली भिन्न हम ले लेते हैं, हमारे पास है 5 1/2 + 5 सही 1/2 + 5 सही 1/2 में क्या जोड़ दें कि संख्या पूर्ण हो जाए। तो अब इसमें देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, संख्या हमें पूर्ण करना है, संख्या पूर्ण करना है, तो हम इसमें संख्या पूर्ण कैसे करेंगे, देखिए 1/2 ये तो पूर्ण संख्या है 5, ये भी 5 पूर्ण संख्या है, कोई लेना देना नहीं। अब हमें जोड़ देना है 1, 2, 3, ऊपर जोड़ दीजिए 1, 2, 3, 3/2 3/2। अब इसमें हमें 2 1 2 2 सही 1/2, ये भी पूर्ण संख्या है, इसे भी हम हटा देते हैं, हमारे पास बचा है 1/2। 1/2 में हम कितना जोड़ देंगे, 1/2 में 1/2 और जोड़ देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, अगर इसमें 1/2 और जोड़ देते हैं तो ये 2/2 यानी 1 हो जाएगी, ये पूर्ण संख्या हो जाती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम, जैसे मान लीजिए इस बार हमने ले लिया किसी संख्या को कि 2.35 bar + 1.5 ऊपर बार लगा हुआ है, इनका योग करना है, तो हम करेंगे 2.35 / 99 + 15/99, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 5 10 3 1 4 2 / 99, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।